दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सीमेंट के इम्पोर्टेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं और इन टेस्ट को करने का क्या फ़ायदा है, मीन्स ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीमेंट के 7 इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें मैं आपको टेस्ट के प्रोसीजर तो नहीं बताऊँगा पर एक ओवरव्यू जरूर दूंगा। और ये 7 टेस्ट आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए एज ए गुड सिविल इंजीनियर, चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो या स्टडी कर रहे हो, क्योंकि इन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर टाइप के सिविल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम साइट सुपरवाइज कर रहे हैं तो भी ये टेस्ट हमें साइट पर परफॉर्म करने ही पड़ते हैं। तो जानने के लिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन को जरूर दबा लें हमारी लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर किए जाने वाले 7 टेस्ट होते हैं सीमेंट के। नंबर 1 है फाइननेस टेस्ट, नंबर 2 है कंसिस्टेंसी टेस्ट, नंबर 3 सेटिंग टाइम टेस्ट, नंबर 4 साउंडनेस टेस्ट, नंबर 5 स्ट्रेंथ टेस्ट, नंबर 6 हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट और नंबर 7 है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। तो हमारा सबसे पहला सीमेंट टेस्ट है फाइननेस टेस्ट। तो दोस्तों, यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ये मेजर करने के लिए कि सीमेंट की फाइननेस डिग्री क्या है, मीन्स वह कितनी फाइन है, क्योंकि सीमेंट जितनी ज़्यादा फाइन रहेगी वह उतनी ही हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करेगी पानी में मिलने के बाद और उतनी ही ज़्यादा हमें सीमेंट की स्ट्रेंथ अचीव होगी। दूसरा टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। यह टेस्ट बेसिकली यह जानने के लिए किया जाता है कि सीमेंट को कितना पानी चाहिए एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी पेस्ट बनाने के लिए, मीन्स परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट पेस्ट, जिसके लिए विकेट एपरेटस यूज किया जाता है। तीसरा टेस्ट है सेटिंग टाइम टेस्ट, क्योंकि सीमेंट का 2 टाइप का सेटिंग टाइम होता है, नंबर 1 इनिशियल सेटिंग टाइम और नंबर 2 फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट या सीमेंट मोर्टार की वह स्टेज होती है जब सीमेंट थोड़ा थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, और फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट की वह स्टेज होती है जब यह पूरी तरह से हार्ड स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यह सीमेंट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो विकेट नीडल मेथड से परफॉर्म किया जाता है। नंबर 4 है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट का यह मतलब है कि जब वो हार्ड हो जाए फाइनल सेटिंग में तो इसका जो वॉल्यूम है उसमें ज़्यादा चेंज ना हो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने से क्रैक्स डेवलप होने और बिल्डिंग फेलियर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करना भी बहुत ही जरूरी है, जो ली चैटेलियर मेथड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट, क्योंकि सीमेंट में 2 टाइप की स्ट्रेंथ रहती है, कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसमें मेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही ज़्यादा है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को ऐसे समझ सकते हो कि जो पर यूनिट एरिया पर लोड पड़ने की रेशो है उसे ही सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है। और ये टेस्ट सीमेंट मोर्टार की क्यूब टेस्ट करके परफॉर्म किया जाता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट करने के लिए स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। नंबर 6 है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, क्योंकि सीमेंट एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान, तो जो कंक्रीट पोर्ड की जाती है इनर सर्फेसिस में वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटर सर्फेस, क्योंकि बाहरी हिस्सा तो वेदर में एक्सपोज रहता है जिससे बाहरी सर्फेस में ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होती, और ज़्यादा हीट इनर सर्फेस में प्रोड्यूस होने से इनर सर्फेसिस श्रिंक होने लगता है और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन का पता लगाने के लिए कैलोरीमीटर मेथड का यूज किया जाता है। और लास्ट और 7th टेस्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पहले आप ये समझिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। कितना अच्छा हो कि अगर हमारे पास हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ऐसा नंबर हो कि जो हमें बता दे कि ये ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा या तैरेगा, और अगर तैरेगा तो कितने परसेंट इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा पानी के अंदर रहने वाला है, तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसा ही एक नंबर है। ये नंबर सिर्फ ये बताता है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट रिलेटिव टू वाटर कितना होने वाला है। तो ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ली चैटेलियर फ्लास्क को यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, ये है वो 7 इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए, और ये 7 टेस्ट मोस्टली यूज होते ही हैं। इनके टेस्ट प्रोसीजर और कैलकुलेशन के बारे में हम 1 by 1 डिटेल्स में जानेंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा, धन्यवाद।